इन अ फेड बैच कल्टीवेशन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट विच इज़ गिवन एज म्यू इज़ गिवन एज 0.2 पर आर इट इज़ नीड टू बी मेंटेन्ड. तो एट द स्टार्ट ऑफ द बैच कल्टीवेशन, स्टार्टिंग में कितना दिया है हमने, फ्लो रेट क्या है स्टार्टिंग में, इट इज़ 200 ml पर आर ऑफ मीडिया इज फेड टू द वॉल्यूम दैट इज 1000 ml ऑफ द वर्किंग वॉल्यूम. सो क्वासी स्टेडी स्टेट शैल बी ऑब्टेन्ड इफ फ्लोरेट बाय वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट एट 0.2 पर आर. फ्लोरेट बाय वॉल्यूम इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम. फ्लोरेट इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम या फिर फ्लोरेट इज केप्ट कॉन्स्टेंट. ओनली फ्लोरेट इज केप्ट कॉन्स्टेंट या फिर फ्लोरेट बाय वॉल्यूम. सो फ्लोरेट बाय वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आ जाएगा. दिस विल बी 200 अपॉन 1000. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.2 पर आर. यही है जो हमें मेंटेन भी करनी है, दैट इज द ग्रोथ रेट. ये क्या होता है, दिस इज द डाइल्यूशन रेट. सो एट क्वासी स्टेडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट क्या होता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू द डाइल्यूशन रेट विच इज गिवन एज 0.2 पर आर. सो इन फेड बैच कल्टिवेशन व्हाट हैपेंस एट क्वासी स्टडी स्टेट, इट मीन्स दैट द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट विच इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट यानी कि म्यू जी इज इक्वल टू द डाइल्यूशन रेट दैट इज डी इट इज इक्वल टू द डाइल्यूशन रेट विच इज डी. सो इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ मीडिया फ्लो टू वॉल्यूम, मीडिया फ्लो रेट लिख देते हैं, मीडिया फ्लो रेट टू वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट. कितना हो जाएगा इज केप्ट कॉन्स्टेंट, कितना हो जाएगा रेशियो ऑफ मीडिया फ्लो रेट टू द वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 पर आर. सो मोस्ट सुटेबल आंसर इज दैट फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट एट 0.2 पर आर. सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर.